और दूसरी अपडेट ये है कि कियान और जी दोनों घर पे नहीं है, इसलिए थोड़ी शांति फैली हुई है। आईफोन लेने जा रहा हूँ, आईडी नहीं लेके आया हूँ, मतलब फोन में तो है मेरे पास, फोन था कि भाई ब्लैक के लिए, बट और अब हम वेट भी नहीं कर सकते थे। ये यहाँ पे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में सस्ता मिलता है, ये हमें पड़ा है शायद। और ये कवर भाई चढ़ाने का मेन रीजन ये था कि इसके ऊपर भाई स्क्रैच ना लग जाए, इस कैमरे लेंस पे नहीं, तो इस जो आदि भाई को पहुँचाने मेरे दोस्त तक। तू रही तैयार हो रही बजा है कितना iPhone 5, 6, 11, 12 और जिससे मैं व्लॉग बना रहा हूँ वो है 15। तो भाई आप देख रहे हो मुझे iPhones का कितना शौक है, मुझे नहीं लगता है मुझसे ज्यादा शौक किसी को है। और एक जो कमाल की बात और है कि मैंने आज तक एक भी अपना फोन बेचा नहीं है। जो मैंने लिया था आज से आई थिंक 10 साल पहले, 11 साल पहले, मेरे पास सारे फोन पड़े हुए हैं। और अभी भी आपने देख लिया 3, 5, 6 ये इंडिया में पड़े हुए हैं, एक गाड़ी में भी पड़ा हुआ है मेरी। और अब आप सोचोगे कि मैं ये आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आज एक और फोन लेने जा रहा हूँ अपने दोस्त के लिए, और ये हमारी यूट्यूब की इनकम से नहीं आया है। ऐसा आपको लग रहा था ना, पर ऐसा नहीं है भाई, अभी वो वाला सिस्टम नहीं है। अरे 10 iPhone ले लेते हैं, एक ऑल्टो आ जाएगी, नहीं नहीं, अभी वो वाला सिस्टम हुआ नहीं है यूट्यूब से ना। तो अभी मेहनत वाले पैसे से ही लेके आनी पड़ेगी, नहीं तो पड़ेगा। तो बस घर से निकल रहे हैं भाई, कितना बेहतरीन दिन है, क्या बात है भाई। मतलब कि जिस दिन सूरज निकल जाए, वो भी ऑस्ट्रेलिया में ठंड के दिनों में, बारिश के दिनों में, तो उससे अच्छा दिन कोई नहीं हो सकता। और दूसरी अपडेट ये है कि कियान और जी दोनों घर पे नहीं है, इसलिए थोड़ी शांति फैली हुई है। जी अपना काम पे गई हुई है, कियान अपना नानी के घर है, और मैं भाई अब आईफोन लेने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं निकल जाऊंगा अपनी गाड़ी पे। बहुत सारी चीज आपको पता भी लगेंगी अभी ना। तो सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ पे, वोडाफोन के स्टोर पे। और ये देखो भाई कल ना क्या हुआ, नुकसान हो गया, ये मेरे कान में लगा रह गया और इसका जो केस था वो कहीं गिर गया। तो नुकसान का मतलब घर हूँ मैं, कुछ ना कुछ खो ही देता हूँ मैं। और ये भाई अपना है पूरा का पूरा सामान जो मैंने मंगा रखा है, इसमें माइक आया हुआ है, ये अपना प्ले बटन है जो अभी तक मैंने खोल के लगाया नहीं है दीवार पे। उसके बाद ये भाई पता नहीं क्या है, भूल गया हूँ। और ये है जो कल परसों आया था, पता नहीं क्या ये है मेरे ख्याल से भाई सेल्फी स्टिक, जो मैंने नहीं मंगाई है क्योंकि मेरी जो थी वो टूट गई, जो मतलब की मेरी पुरानी वाली थी वो टूट गई। और ये भाई हमारे सारे फोन, इसके अलावा बहुत सारे हो रहे हैं, मतलब ये है, जी वाला है, गाड़ी में है, तो कम से कम अभी 12-13 फोन और हैं, और इंडिया में 5-6 और हैं। और सबके पास आईफोन है हमारी फैमिली में, सबके पास, ऐसा कोई नहीं। पर आपको एक और अच्छी चीज बताओ, जो अच्छी चीज मुझे लगी, मेरे पास आज तक वो फोन भी है जो मैंने आज से शायद 10वीं या 11वीं क्लास में चलाया। दिखाऊं ये देखो भाई नोकिया, किस किस को याद है भाई ये नोकिया का फोन, बताओ। लेवल सबके निकलेंगे मुझे वो वाली अभी चीज याद आ गई, लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा और अड़ा रहेगा। फिर से दीपक भाई ने गाड़ी वहां लगा रखी है, और शायद उनसे गलती हो गई है कि मैं अपनी ना आईडी नहीं लेके आया हूँ। मतलब फोन में तो है मेरे पास, पर अब मैं ऊपर भी नहीं जाऊंगा क्योंकि ऊपर जाऊंगा तो वक्त खराब होगा और इतना वक्त है नहीं। कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बातचीत से सब कुछ मामला हल हो सकता है। इस पार्किंग को ढूंढने में ना भाई पूरे 10 मिनट लग गए हैं, और 10 मिनट पार्किंग ढूंढने के लिए बहुत होते हैं। तो चलो भाई चलते हैं अपना फोन लेने। अब मुझे लगता है फोन लेने में ना सिर्फ 5 ही मिनट लगेंगे, क्योंकि हमको वोडाफोन के स्टोर पे जाना है और उनके पास ऑलरेडी मेरा सब कुछ है। 5-7 मिनट से ज्यादा लगने नहीं चाहिए। यहाँ पे भी भाई थोड़ी सी किस्मत खराब ही है कि यहाँ पे जहाँ पे फोन लेने गए थे, इनके पास जो मुझे चाहिए था वो है नहीं। तो अब मेरे को जाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि इनके यहाँ पे मॉल के अंदर 2 स्टोर कह रहे हैं कि वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से ले लो। तो एक बार वहाँ भी चल के देख लेते हैं कि क्या होता है। सॉरी बस है ना ना ये ओपन है सर। ब्लैक मांगा था पर ब्लैक था नहीं इनके पास, तो मुझे ब्लू ही लेना पड़ा। और मुझे बोला भी था उस भाई ने ना जिसका फोन था कि भाई ब्लैक के लिए, पर ब्लैक अवेलेबल नहीं था, इस वजह से भाई इन दी एंड हमने ब्लू ही ले लिया। और अब हम वेट भी नहीं कर सकते थे, तो बहुत लेट हो जाता, और जिस भाई को ये फोन लेके जाना इंडिया वो भी निकल जाता। तो चलो भाई अब निकलते हैं अपना काम पे, और इसके बारे में आपको ना थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देंगे पर थोड़ी देर में। और अब हम आ गए भाई अपने काम की जगह पे, पर उससे पहले फोन की कुछ बात कर लेते हैं कि भाई जो ये फोन है ये यहाँ पे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में सस्ता मिलता है। ये हमें पड़ा है शायद 1.5 लाख के आसपास, 160 के आसपास, मेरे को मतलब प्रॉपर नहीं पता, पर 20 से 30 हजार रुपए सस्ता पड़ा है इंडिया से। तो इस वजह से भाई अगर पैसे बच सकते हैं किसी यार दोस्त के तो क्यों ना बचाए। तो इस वजह से भाई ये फोन हमने खरीदा है। और इसके साथ साथ भाई इन्होंने हमको दिया था एक कवर साथ में। तो क्या साल ने इस बार पैसे ले, जब मैं अपने लेने गया था उस टाइम पे इन्होंने पैसे नहीं लिए थे, पर आज इसका भी पैसे ले लिए। और इस फोन पे ऑलरेडी हमने भाई इसका टेम्पर्ड वेम्पर्ड चढ़वा दिया कि अगर ट्रेवलिंग में इस पे स्क्रैच वगैरह ना आए। तो ये होगी भाई इसकी बात। अब इसकी अनबॉक्सिंग हम करेंगे। अनबॉक्सिंग तो क्या करेंगे, देखते हैं घर जाके जो भी करना है, पर उससे पहले हमें करना है अपना काम, मतलब दिहाड़ी लगानी है भाई। तो इसको डालते हैं और चलते हैं काम पे। आप नहीं चलोगे, मैं जाऊंगा सिर्फ, तो आप लोग थोड़ा आराम करो। काम पे से भाई आज थोड़ा सा ना जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि फोन तो हमने ले लिया है जैसे कि आपने देख ही लिया है। उसके ऊपर एक तो वो कवर चढ़ाना है, वो भी मैं अभी चढ़ा दूंगा, और उसके बाद इसको ना उस बंदे को भी दे के आना है जो फोन उस बंदे तक पहुंचाएगा जिसके लिए मैंने फोन लिया है, जो कि हमारे आदि भाई, क्योंकि हमारे आदि भाई जा रहे हैं इंडिया। तो ये जो फोन है वो लेके जाएंगे अपने साथ। और भाई ये फोन मैंने पैक कर दिया है ऑलरेडी ना, दिखाता हूँ, ये देखो सेटअप भी कर दिया है और इस पे कवर भी चढ़ा दिया है। और ये कवर भाई चढ़ाने का मेन रीजन ये था कि इसके ऊपर भाई स्क्रैच ना लग जाए, इस कैमरे लेंस पे नहीं। तो इस पे लेंस पे भी कवर लगवा दिया, इस पे भी कवर लगवा दिया और फ्रंट में भी कवर लगवा दिया। अब इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ बचा है, और इसको बस हम भेज देंगे। पहुंचे ना पहुंचे हमारी गारंटी नहीं है, बस भाई ने मंगाया तो हमने भेज दिया है। अब पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो नहीं पता, कभी बीच में आदि भाई का मन बदल जाए तो फिर मुश्किल हो सकती है थोड़ी सी। तो चलो भाई निकलते हैं और ये आदि भाई को पकड़ा के आते हैं। मजे की बात बताऊं क्या है यार, कि जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी ना, हमें वापस वहीं पे आना पड़ा। ये देख लो वापस मॉल की पार्किंग में, क्योंकि आदित्य भाई शॉपिंग कर रहे हैं मॉल में। कह रहे हैं कि मैं कल इंडिया जाऊंगा तो मुझे शॉपिंग करनी थी, तो मैं मॉल आ गया। भाई चक्कर भी बन गया और हम फंस गए हैं, इसलिए अब आदि भाई को ढूंढना पड़ेगा, फोन देना पड़ेगा। पर कोई नहीं, ढूंढ लेंगे भाई, इतनी तो बड़ी कोई बात भी नहीं है। आदि भाई को भाई हमने फोन कर दिया है, और बेसिकली ये दो सामान भाई मैंने देने हैं जो आदि भाई को पहुंचाने मेरे दोस्त तक। फोन पे तो लग रहा है आदि भाई बहुत जल्दी में है। तू तैयार हो तैयार हो रही जाए के कितना अंग्रेजी एक्स मैं उड़े ना रुक जाता, मैंने फोन कर देता था। आज फिर आज भूख लगे ना, मैं तो कुछ ना खाऊं। आज कॉफी पी लेंगे, मैं जब तेरी बाट देखू था। शॉपिंग कितना तेरी, लॉन्ड्री शॉपिंग कितना तेरी, शॉपिंग कहाँ करी। तो आदि भाई हमारे निकल गए हैं हमें छोड़ के। फोन का काम भाई फाइनली कंप्लीट हो गया हमारा। मैं वापस आ गया हूँ अपनी गाड़ी के पास। एक मिनट पहले बैग निकाल लूँ। हाँ, तो अब हमारा काम भाई खत्म हो चुका है और आदि भाई का काम अब शुरू हो चुका है। और जैसे ही भाई वो फोन पहुंचेगा वहाँ पे, अगर उस भाई का रिएक्शन रिकॉर्ड कर पाया तो मैं जरूर कर लूंगा, वरना नहीं करूंगा, बस सिंपल सी बात है। तो आज का व्लॉग भाई इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा हमारे नेक्स्ट व्लॉग में।